नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हमने दो बड़े सूक्ष्म मुद्दों पे प्रश्न उठाया था। पहला और अहम मुद्दा था कि हमारे को खबर आई, रिपोर्ट आई, कंप्लेंट आई हमारे सब प्रादेशिक यूनिट से, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कैंडिडेट द्वारा, कि 2:30 बजे के बाद जो अपडेशन होता है राउंड बाय राउंड, यानी काउंटिंग जब गणना हो रही होती है तो हर राउंड पे एक आंकड़ा प्रकाशित होता है, उसमें बहुत ढील आ गई है या बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यानी हर आधे घंटे में वो आंकड़ा अपडेट नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। ये हमारी कंप्लेंट थी। दो कंप्लेंट्स थी, एक तो कि संसदीय क्षेत्र के अनुसार ऐसा कोई अपडेशन नहीं है, ही नहीं, और दूसरा जो असेंबली सेगमेंट्स के अनुसार राउंड बाय राउंड आता है आंकड़ा, वो भी बड़े विलंब के साथ अपडेट हो रहा है। ये दो मुद्दे थे। तो हमने कहा इससे एक प्रश्न उठता है, चुनाव के जो पूरी एक स्पष्टता होती है और निष्पक्षता होती है उस पर अननेसेसरीली बिना कारण के एक प्रश्न उठता है, तो इसको जल्दी होना चाहिए। हमने कोई ऐसे आरोप नहीं लगाया, हमने कहा कि हमको चाहिए एक सीधा आदेश चुनाव आयोग के केंद्रीय स्थल से कि ये जल्द से जल्द अपडेट हो। चुनाव आयोग ने हमको बड़े आदर के साथ सुना और कहा कि जहाँ तक संसदीय क्षेत्र का मामला है तो ये अपडेशन पहले भी नहीं होता था, अब भी संभव नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े आते हैं असेंबली सेगमेंट वाइज। तो असेंबली सेगमेंट वाइज जो आंकड़े आते हैं उनको अपडेट वो तब करते हैं जब एक असेंबली सेगमेंट अगर साथ हैं एक संसदीय क्षेत्र में, वहाँ पहले आता है तो पहले हो जाता है, जहाँ बाद में आता है वहाँ बाद में होता है, इसलिए दोनों में समय का थोड़ा अंतर रहता है। इस बात को उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया कि किसी रूप से वो विलंब नहीं होने देंगे, वो आदेश भी देंगे कि जो असेंबली सेगमेंट के अनुसार उसके आधार पर जो अपडेशन होना चाहिए वो जल्द से जल्द हो। और मैं समझता हूँ कि अगर ये आदेश तुरंत चला जाए, क्योंकि कुछ घंटे बचे हैं गणना में, तो ये एक प्रकार से हल होगा। बड़े एक सौराध्य के साथ ये बातचीत हुई और हमने उनको धन्यवाद किया, हमको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट देने की।